आप जो म्यूजिक सुनने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट म्यूजिक। सो आज हम ये सीखने वाले हैं। सो मस्ट बी एक्साइटेड, यस जूनियर्स। तो आज हम ये सीखने वाले, हमने कौन से कोड यूज करने। आज हमारे इसमें दो कोड डिफरेंट है, वो अभी तक हमने अटेम्प्ट नहीं किया, और हम म्यूजिक में प्ले करेंगे। और व्हेन आई प्ले म्यूजिक, तो आप देखिए गिटार का कलर भी चेंज होता है, एंड यू कैन प्ले सॉन्ग फॉर समवन आल्सो। सो यू कैन, आप बना सकते हैं, एंड यू कैन सेंड दिस म्यूजिक फॉर जिसको भी आप भेजना पसंद करें। यस, सो आज हम ये सीखने वाले हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो उसके लिए सबसे हमें जाना है टॉप मोस्ट में, एंड टॉप मोस्ट में फाइल में जाना है, देन आपको चूज करना है न्यू, एंड न्यू में जाके आपका एक न्यू फाइल ओपन हो जाता है। तो जैसे ही आपका फाइल ओपन हो जाता है, तो सबसे पहले हमें टॉप मोस्ट में टाइटल देना है, एंड गिव टाइटल म्यूजिक, बिकॉज आज हम म्यूजिक के रिलेटेड सीखने वाले हैं। और यहाँ पर स्टेज पे आपको मेरा कैरेक्टर दिख रहा है, उसको हमने डिलीट करना है, बिकॉज आज हमारा सब्जेक्ट ही डिफरेंट है। अभी हमने तो एनिमेटेड स्टोरी सीख ली, हमने कैसे पार्ट को कैसे कलर यूज करने हैं डिफरेंट है, कैसे रिसाइज करना है। तो अब हम ऑलमोस्ट एनिमेटेड एंड वी आर बेस्ट इन टू द बर्थडे कार्ड थीम्स में हम लोग परफेक्ट हो चुके। तो अब हमें इसमें म्यूजिक कैसे बनाना है, आज वो हमने सीखना है। तो सबसे पहले आई विल चूज वन बैकड्रॉप, एंड आई विल चूज स्टेज, क्योंकि ये थीम जो है इट्स अबाउट म्यूजिक रिलेटेड, तो थिएटर है, तो थिएटर को हमने चूज किया। आई विल चूज अ स्प्राइट, एंड आई विल चूज गिटार, सो दैट गिटार हम चूज करेंगे। जैसे हमने ये ले लिया, तो अभी समझ लिए कोई स्टेज है और म्यूजिक कंपटीशन है, कौन बेस्ट म्यूजिक प्ले करेगा, तो उसके रिलेटेड है। तो हमने अभी फटा जल्दी से एक कैरेक्टर चूज कर लिया है। नाउ वी आर एक्साइटेड टू सी ये कैसे प्ले करेगा। यस यस, तो सबसे पहले हम जाएंगे, अब हम इवेंट नहीं जाएंगे, ये किस तरीके से अदर वे में कंट्रोल होता है, तो वो हम इवेंट में जाएंगे, बट हमने वेन ग्रीन फ्लैग नहीं लेना है। तो अब हम लोग दूसरा लेंगे वेन डैश की, जैसे अभी आपके कीबोर्ड्स हैं, तो वो हमने कैसे यूज करना है वो हमने लेना है। तो आई विल चूज राइट एरो, अप डाउन एरो, एंड मेनी ऑप्शन दे, लेफ्ट एरो भी ले सकते हैं एंड अप एरो भी ले सकते हैं, मैं राइट एरो ले रही हूँ। वेन राइट एरो की प्रेस, यहाँ मेरा म्यूजिक प्ले होगा। तो एंड आई विल टेक अ साउंड एंड स्टार्ट अ साउंड, मैंने ऑप्शन लिया, एंड आई सिंपली यहाँ पर पुट आउट किया, पिकअप कर लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि ये कितने म्यूजिक प्ले करे, राइट। तो इवन आई वॉन्ट टू पिकअप रेंडम, सो डैट मैं चाहती हूँ 8 है कि 10, तो मेरे कितने म्यूजिक सेटअप्स है, 1 है, 2 है, 3 है, तो वो मुझे देखना है। तो मेरे को कहाँ जाना है, साउंड में जाना है। साउंड में मैं देखूंगी यहाँ पर गिटार के साथ मुझे 8 म्यूजिक्स मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट। सो गिटार 1 में ये है, 2, 3, 4, तो 8 है, तो मैं ऑप्शन में लूंगी कोड में 8 तक, बिकॉज यहाँ पर 8 तक है। तो ये हमें जाके कहाँ चेक करना है, लेफ्ट साइड में आपको जाना है, एंड कोड लेफ्ट साइड से हमने जो पिकअप किए, अब हम जाके साउंड में चेक करेंगे कितने हमारे यहाँ पर म्यूजिक हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। तो विल टेक अ रेंडम, जैसे हम रिमिक्स देखते हैं, अभी हम म्यूजिक बैक टू बैक डिफरेंट डिफरेंट सुनेंगे। तो हमने वो चूज कर लिया है, वी ऑलरेडी इंसर्ट अ पिकअप रेंडम ब्लॉक हुई है, तो मैंने यहाँ पर ये ब्लॉक यूज किया है। और स्टार्ट साउंड मैंने डिफरेंट साउंड से आके पिकअप किया, जो अभी तक हमने ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया। सो दिस इज न्यू वी गोइंग टू लर्न। तो एक आपने यहाँ पर नया सीखा है, वेन राइट एरो, तो मतलब मैं कीबोर्ड से भी अपना कैरेक्टर प्ले कर सकती हूँ, तो वो हम यहाँ पर इसका यूज तब होता है। तो ये आपको मिलता है इवेंट में। एंड स्टार्ट साउंड, तो मैं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि पिक रेंडम, तो आफ्टर वन डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक, क्योंकि कॉम्पिटिशन है, उस तरीके से हमारी थीम है। अब मैं चाहती हूँ कि लुक्स में जाके मैं इसका ये चेंज कर देती हूँ कलर इफेक्ट, सो हम लोग कलर में जाएंगे, विल चेंज कलर इफेक्ट। सो मैं चाहती हूँ कि चेंज होता जाए, सो दिस इज योर रेडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चूज आर राइट एरो, इंसर्ट ए पिक रैंडम ब्लॉक, एंड टाइप द नंबर ऑफ साउंड इन योर इंस्ट्रूमेंट। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट, मतलब यहाँ पर जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट मेरा गिटार था, उसमें 8 म्यूजिक्स यहाँ पर दिए हुए थे डिफरेंट डिफरेंट, तो मैंने वो पिक कर लिया, एंड वी डन, नाउ वी कैन प्ले दिस। सो आर यू रेडी टू से दिस, यस, सो लेट्स प्ले विद इट। सो अभी सिंपली विल चेक, यस, सो सिंपली वी डन विद इट।
इतना इजी है ना म्यूजिक, तो आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं ऐसे. एंड यू कैन यूज अ कैरेक्टर, क्योंकि एनिमेटेड अभी आप आता है, हाउ टू मेक द कैरेक्टर टू स्पीक एंड मूव, तो आप ये यूज करके सिंपली प्रोजेक्ट बना सकते हैं. ओके जूनियर्स, आई विल कैच यू ऑन नेक्स्ट सेक्शन. अब हम दूसरा कुछ सीखेंगे इसमें.